गुड मॉर्निंग एवरीवन, टेस्ट ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। सफलता की कुंजी, अब तैयारी हम करेंगे स्लोगन के साथ। मैं तरुण कुमार शर्मा 6 जुलाई 2020 का करंट अफेयर्स लेकर आया हूँ, जो बोथ हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। ये डेली कॉम्प्रिहेंसिव न्यूज एनालिसिस एंड करंट अफेयर्स अपडेट फॉर IAS, बैंक, SSC, RRB एंड अदर गवर्नमेंट एग्जाम 2020 एंड 2021 के लिए। आगे बढ़ने से पहले टेस्ट ऑफ नॉलेज की तरफ से जो टाइम टेबल दिया गया वो देख लेते हैं। सुबह के 4 बजे करंट अफेयर्स, जो बोथ हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में होता है, जो मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ। दोपहर के 4 बजे एग्जाम के बाद, जो मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे होती है, और दोपहर के 4 बजे मॉडर्न हिस्ट्री, जो संडे, ट्यूसडे एंड थर्सडे होती है। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप जाके PDF को हमारे टेलीग्राम चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। हिस्ट्री की क्लासेस कंटिन्यू चल रही है, प्लेलिस्ट पे सारे वीडियोज आप देख सकते हैं। 9000 GK वन लाइनर बाई टेस्ट ऑफ नॉलेज, ये सेशन इस महीने से शुरू कर दिया जाएगा। साथ ही साथ एग्जाम की बात सेशन ये हमारी चल रही है, यहाँ पर भी आप जाकर प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं। हाउ टू प्रिपेयर फॉर SSC एग्जाम एट होम, घर बैठे SSC की तैयारी कैसे करें। अगर आप SSC के एस्पिरेंट हैं तो कमेंट बॉक्स पर बताइए, ताकि आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा उपलब्ध कराई जा सके। कैरियर स्नाइपर की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस शुरू होने वाली है। प्रीयर बुकिंग के लिए इंजित के नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर SSC, CDS, NDA, RBI, रेल, बैंक और भी बहुत सारे एग्जाम की तैयारी करवाई जा रही है। SD सर कॉम्पिटेटिव क्लासेस, यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस कंटिन्यू चल रही है, जिसके बारे में मैं काफ़ी दिनों से आपसे बात कर रहा हूँ। यहाँ पर सेकेंड बैच शुरू होने वाला है 15 जुलाई से, मतलब ये आने वाले 15 तारीख से। यहाँ पर मैथ, इंग्लिश, GK, रीजनिंग की क्लासेस हो रही है। रीजनिंग की क्लासेस मैं ले रहा हूँ, नीचे दिए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। स्पेशली ये वेस्ट बंगाल जो बंगाली मीडियम्स होते हैं उनके लिए है। चलिए शुरू करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बातें। विच स्टेट टॉप्ड इन फर्स्ट इन फिश प्रोडक्शन बेस्ड ऑन वॉल्यूम एज पर एनुअल मैरीन फिश लैंडिंग इन इंडिया फॉर 2019 रिपोर्ट ऑफ CMFRI। CMFRI की 2019 के लिए भारत में वार्षिक समुद्री मछली लैंडिंग के अनुसार मात्रा के आधार पर मछली उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? केरला, तमिलनाडु, गुजरात या महाराष्ट्र? तो इसका करेक्ट आंसर है तमिलनाडु। नेम द मिनिस्ट्री विच हैज रिलीज द गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइंस हैंडबुक रिसेंटली। उस मंत्रालय का नाम बताइए जिसने हाल ही में गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइंस हैंडबुक जारी किया है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर या मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स? तो इसका करेक्ट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। Find the state which has decided to increase the green cover through extensive plantation over 1.30 lakh hectares of land recently. उस राज्य का पता लगाएं जिसने हाल ही में 1.30 लाख हेक्टेयर भूमि पर व्यापक वृक्षारोपण के माध्यम से हरित आवरण को बढ़ाने का निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात या उड़ीसा? तो इसका करेक्ट आंसर है यह निर्णय उड़ीसा के द्वारा लिया गया है। विच बोर्ड हैज लॉन्च एक्सेलरेट विज्ञान स्कीम टू प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर रिसर्च इंटर्नशिप? किस बोर्ड ने अनुसंधान इंटर्नशिप्स के लिए मंच प्रदान करने के लिए एक्सेलरेट विज्ञान योजना शुरू की है? टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड, साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, साइंटिफिक रिसर्च बोर्ड ऑफ इंडिया या बोर्ड फॉर रिसर्च स्कॉलर? जिसका करेक्ट आंसर है साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड ने किया है ये। वी सूर्य नारायण हैज बीन बिकेम द न्यू MD ऑफ विच जनरल इंश्योरेंस कंपनी विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2020। वी सूर्य नारायण 1 जुलाई 2020 से किस जनरल इंश्योरेंस कंपनी के नए MD बन गए हैं? चोलामंडलम MS जनरल इंश्योरेंस, बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस, भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस या एडलवीज जनरल इंश्योरेंस? इसका करेक्ट आंसर है चोलामंडलम MS जनरल इंश्योरेंस के MD बन गए हैं। गाइस, अगर सेशन पसंद आया तो लाइक करना है, आगे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसका कमेंट बॉक्स पर आपको आंसर देना है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि दूसरों की मदद हो सके, और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चाणक्य लाइव, यहाँ पर हमारी क्लासेस 7 तारीख के बाद से शुरू हो जाएगी। यहाँ पर मैथ और रीजनिंग की क्लासेस मैं करवाऊंगा। यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया जा रहा है, आप जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
आगे देख लेते हैं, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू यूनाइटेड नेशन एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन इन जेनेवा। जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य संगठनों में भारत के स्थायी प्रतिनिधित्व के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? टीएस त्रिमूर्ति, इंद्रा मानी पांडे, श्री कुमार मेनन या विजय विनय कुमार। तो इसका करेक्ट आंसर है इंद्रा मानी पांडे को नियुक्त किया गया है। करम शेखर हैज बीन रिटायर्ड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ एम डी एन सी ओ विच बैंक। कर्ण शेखर किस बैंक के एम डी एन सी ओ के रूप के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक या नेशनल इंडियन ओवरसीज बैंक। तो इसका करेक्ट आंसर है इंडियन ओवरसीज बैंक। द मून डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हैज रिसीव 2020 स्कॉच अवार्ड अंडर थ्री कैटेगरीज इन द 65th स्कॉच समिट। मून इज द डिस्ट्रिक्ट ऑफ इन विच स्टेट। मून जिला प्रशासन को 65वें स्कॉच शिखर सम्मेलन में तीन श्रेणियों के तहत 2020 स्कॉच पुरस्कार मिले हैं। मौन किस राज्य का जिला है? सिक्किम, उड़ीसा, नागालैंड या फिर बिहार। तो इसका करेक्ट आंसर है ये नागालैंड का एक डिस्ट्रिक्ट है मौन। हु अमोंग द फॉलोइंग हैज बीन नेम्ड एज 2020 ग्रेट इमाइग्रेंट्स बाय कार्नेगी कॉरपोरेशन। निम्नलिखित में से किसे कार्नेगी कॉरपोरेशन द्वारा 2020 ग्रेट इमिग्रेंट्स के रूप में नामांकित किया गया है? सिद्धार्थ मुखर्जी, रोहन घोष, राज चेट्टी या बोथ ए एन सी। तो इसका करेक्ट आंसर है बोथ ए एन सी। हु हेड द कमिटी कंस्टिट्यूटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स फॉर रिफॉर्म इन क्रिमिनल लॉ। आपराधिक कानून में सुधार के लिए गृह मंत्रालय द्वारा गठित समिति के प्रमुख कौन है? रणबीर सिंह, जीएस वाजपेयी, बलराम चौहान या महेश जेठामलानी। तो इसका करेक्ट आंसर है रणबीर सिंह। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज वीनस मिशन विच इज शेड्यूल्ड टू बी लॉन्च एट द एंड ऑफ 2023। भारत के वीनस मिशन का नाम क्या है जिसे 2023 के अंत में लॉन्च किया जाना है? आदित्य L1, शौर्यान 1, चंद्रयान 1 या शुक्रयान। तो इसका करेक्ट आंसर है शुक्रयान 1। हु हैज ऑथर्ड द बुक टाइटल फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड। ये बुक का नाम है विच वॉज रिलीज बाई वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एम वेंकैटा नायडू। फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेड्स नामक पुस्तक को किसने लिखा है जिसे भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने जारी किया था? TN मनोहरन, बी अनुभूतम्बी, लक्ष्मी नारायण या फिर वी पटाभी राम। तो इसका करेक्ट आंसर है वी पटाभी राम के द्वारा ये लिखा गया था, वेरी इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एवर्टन विक हु पास्ड अवे रिसेंटली इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट्स। एवर्टन विक जिनका हाल ही में निधन हो गया है वह किस खेल से जुड़े हैं? टेनिस, बेसबॉल, हॉकी या क्रिकेट। तो इसका करेक्ट आंसर है ये क्रिकेट से जुड़े हुए थे। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम इनिशिएटिव की तरफ बढ़ते हैं। जो नए स्टूडेंट हैं उन्हें बता दिया जाए इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है। इनिशिएटिव का मतलब होता है पहल। ये आप देख रहे हैं जड़, तो यहाँ आपका बेस है। जब तक आप अपने बेस को मजबूत नहीं करेंगे तब तक आप अपने गोल को अचीव नहीं कर सकेंगे, किसी भी फील्ड की बात हो, नॉट ओनली इन गवर्नमेंट एग्जाम। और एट प्रेजेंट आप अभी स्टडी कर रहे हो इसलिए आपका टारगेट क्या है? गवर्नमेंट एग्जाम, तो उसी को मजबूत करने जा रहे हैं हम। चलिए देख लेते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? आर माधवन। हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटका में। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। रशिया के बारे में देख लेते हैं, ये बहुत बड़ा एरिया आप देख रहे हो, इंडिया के रेफरेंस से देखिएगा तो समझ में इजली होगा। कैपिटल इसकी मॉस्को, लेकिन इसकी बात एक बता दूं, इसकी कैपिटल रशिया यूरोपियन नेशन में पड़ती है, यूरोप में पड़ती है, ओके ये आपको याद रखना है। करेंसी है इसकी रशियन रूबल। प्राइम मिनिस्टर है मिखाली व्लादिमिरिच मिस्तुस्तिन, माने डायरेक्टली आप कह सकते हैं व्लादिमिर पुतिन। एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB के बारे में देख लेते हैं। हेडक्वार्टर है मंदालयोंग फिलीपींस में। प्रेसिडेंट है मस्तास्कू
असाकावा मेंबर्स हैं अभी इसके 68 कंट्रीज। इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, इट वॉज एस्टेब्लिश ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ हिल्टन यंग कमीशन। ये किसके रिकमेंडेशन से बनाया गया था? हिल्टन यंग कमीशन के रिकमेंडेशन से इसे तैयार किया गया था। आरबीआई इज रिस्पॉन्सिबल ओनली फॉर प्रिंटिंग द करेंसी नोट्स, मिंटिंग ऑफ कॉइन्स इज डन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो आरबीआई सिर्फ रिस्पॉन्सिबल होता है जितने भी करेंसी जो होती है नोट की, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन अगर कॉइन की बात की जाए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रिंट करता है। फिर क्या है, डॉक्टर मनमोहन सिंह इज द ओनली प्राइम मिनिस्टर्स टू हैव ऑल्सो रिजर्व एज द गवर्नर ऑफ आरबीआई। ये एक लौते प्राइम मिनिस्टर थे भारत के जिन्होंने आरबीआई के गवर्नर के पोस्ट पर भी सर्विस दी है। प्राइम मिनिस्टर की बात हो रही है, ओके? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव थे। अब हम बात करते हैं प्रीवियस डे के क्वेश्चन के आंसर के। कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, उसके आंसर बता देते हैं हम। विच कंट्री हैज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट्स इन द वर्ल्ड? तो है बोस्टवाना। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एचडीएफसी बैंक लोकेटेड? यह है मुंबई में। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ रशिया? मॉस्को इसकी कैपिटल है। हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल? तो राजनाथ सिंह अभी है। हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ सेबी? तो अजय त्यागी इसके चेयरमैन है। तो आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, टॉप फाइव, जिसका कमेंट बॉक्स पर आपको आंसर देना है। नेम द फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री विच सबमिट्स रिजल्ट फॉर रिड्यूसिंग इमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन रेड प्लस टू UNFCCC। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है कमिंग एग्जाम के लिए, क्योंकि ये मैं सारे करवा चुका हूँ। व्हाट इज द अमाउंट दैट वाज प्रोवाइड बाय द वर्ल्ड बैंक टू इंडिया फॉर MSME इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्रोग्राम? फाइंड द बैंक विच हैज लॉन्च ई किसान धन ऐप फॉर फार्मर्स एज पर फिच रेटिंग INC। इंडियाज ग्रोथ फॉरकास्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2020 इज 22 इज, आपको बताना है कितना है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन CBFC रिसेंटली? तो ये पांचों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर देने। अगर आपने मेरे लेक्चर को रेगुलर सुना होगा तो इन सारे क्वेश्चन के आंसर आप आसानी से अटेंड कर लोगे, अदरवाइज आप शायद आपको दिक्कत हो। तो आज इंपॉर्टेंट डे के बारे में देख लेते हैं। वर्ल्ड जूनोसिस डे है आज। वर्ल्ड जूनोसिस डे इज हेल्ड एवरी ईयर ऑन 6 जुलाई। द डे कॉमरेट्स July 6, 1885 when Louis Pasteur successfully administered the first vaccine against rabies virus, a genetic disease. Theme day day raises awareness for the risk of genetic disease. ये इसकी थीम है। ये वेरी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है क्योंकि अभी एनिमल हंटिंग को लेकर काफी विरोध चल रहा है। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इनिशिएटिव के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट आपसे क्वेश्चन पूछे गए। गाइज अगर सेशन पसंद आया तो आप लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि दूसरों की भी मदद हो सके। कुछ क्वेश्चन जो पूछे गए उसका कमेंट बॉक्स पर आपको आंसर देना है। PDF की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई, आप जाके PDF को हमारे इस टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। चाणक्य लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि अब 2-3 दिन की ही बात है, मैं तो रीजनिंग की क्लासेस में शुरू कर दूंगा। और अगर आपने टेस्ट ऑफ नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ये होता है बेल आइकन। सो गाइस थैंक यू, दोपहर मिलते हैं दोपहर के 4 बजे। थैंक यू।